जय हिंद दोस्तों, मैं नीसू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है आप तक पहुंच पाए। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे दिया है, उनको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसमें लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी होती है बिना वजन के साथ, क्योंकि लड़कियों को बहुत डाउट रहता है कि हमें वजन के साथ करनी है या वजन नहीं लेना। तो लड़कियों के लिए कोई वजन नहीं होता, आपको बिना वजन के ये दूरी तय करनी होती है। बात कर लेते हैं लड़कों की, तो लड़कों को 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में ही तय करनी होती है, लेकिन उनको 10 किलो वजन दिया जाता है, उनको 10 किलो वजन के साथ करनी होती है। वजन उनको मतलब एक पीछे टांगने वाला बैग होता है, उसमें रेत या मिट्टी भर देते हैं, उसको टांग के तब करनी होती है। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। जब फिजिकल की डेट आती है तो आप पहले से फिट होती हैं तो तुरंत आप कर सकते हैं। आपको कम से कम 5 किलोमीटर तो डेली दौड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको जितना ज्यादा स्टेमिना होगा तो आप वहां जाके कर दोगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां रोज 14 किलोमीटर और लड़के 25 किलोमीटर, इतनी दूरी तो डेली नहीं तय कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली करते रहना चाहिए, और 10 या 15 दिन में आप अपना जितने आपको दूरी वहां पे तय करनी है उसका बीच बीच में टाइम लगा के करके देखना। और लड़कों के लिए खास सूचना, लड़के वहां पे फिजिकल करते टाइम पे वो कुछ खाते पीते रहते हैं कि ज्यादा टाइम मतलब वजन के साथ है और ज्यादा दूरी है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं खाना। क्योंकि मैं जब मेरा फिजिकल था मैंने देखा था लड़के चने खा रहे थे और उनको वॉमिटिंग हो गई थी, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाए थे। तो आप पहले खा लीजिए, काफी टाइम पहले, जो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और आपको एनर्जी भी मिल जाए। और खाना तो उस दिन वैसे भी कोई खाता नहीं है, मॉर्निंग से ज्यादा रनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे ना करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब मैं बता देती हूँ आपको कैसे कैसे जाना है। जैसे आप अपने ग्राउंड पहुंच जाते हैं तो आपकी एंट्री होती है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखते हैं, वो एंट्री दे देते हैं, फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, उसके बाद वेट होता है, और फिर आपको ग्राउंड में भेज दिया जाता है। तो ग्राउंड में जाके सबसे पहले आपके पैर में एक चिप बांध दी जाती है, और जहां से आप चलना स्टार्ट करते हैं वहां पे मैट पड़ी होती है। जब आपका पैर मैट पे टच होता है तो आपकी चिप वहां पे कनेक्ट हो जाती है, तो आप जितने भी राउंड करते हैं वो आपके राउंड काउंट हो जाते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी होता है सब कुछ और बहुत अच्छा होता है। जिन बच्चों को फिजिकल से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और जानकारी दे दूंगी। और इससे अगली वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि मेडिकल कैसे होता है,